गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट दैट इज लिक्विड स्टेट। यू नो वी हैव कंप्लीट गैसीय स्टेट्स, तो आज हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हम बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, लिक्विड स्टेट इज इन बिटवीन स्टेट ऑफ गैसियस एंड सॉलिड स्टेट्स। मीन्स जो गैसीय स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का जो इन बिटवीन बिहेवियर है दैट इज़ शोन बाय द लिक्विड स्टेट। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमने एक सॉलिड लिया, लिक्विड लिया और गैस लिया, ओके, तो जैसा कि आपने बोला था कि सॉलिड स्टेट्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं दैट इज़ द हाइएस्ट, एंड गैसीय स्टेट के अंदर जो फोर्सेज होती हैं दैट इज़ द वीकेस्ट फोर्सेज। अब आपने बेटा ध्यान देना है कि लिक्विड स्टेट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड स्टेट की तरह कंप्लीट स्ट्रॉन्ग नहीं होती और गैसी स्टेट की तरह कंप्लीट वीक नहीं होती। मींस दीज लिक्विड पार्टिकल्स हैविंग द इन बिटवीन बिहेवियर ऑफ सॉलिड एंड गैसी स्टेट, ओके। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा टॉपिक को रिकवर करने वाले हैं, यहाँ पे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को पता होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स को आपने 9th क्लास 10th क्लास के अंदर नॉर्मली पढ़ते आए हो। द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड स्टेट विल बी कन्वर्ट इन टू द गैसी स्टेट। सिंपल सी डेफिनेशन बोलते हो आप कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर एक लिक्विड स्टेट विल बी कन्वर्ट इन टू द गैसी स्टेट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आज हम बॉइलिंग पॉइंट्स की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को भी रीड आउट करेंगे। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन थी जो कि आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। तो बच्चे ध्यान देना है, वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैंने वाटर को ले लिया, या फिर किसी भी आप लिक्विड को लेके ले सकते हो। इसके बाद मैंने इस बीकर को कवर कर दिया गया है। तो अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान देना है कि बच्चे कि इस लिक्विड का एक नेचर है कि इस लिक्विड से यहाँ पे इसके वेपर्स बनेंगे, धीरे धीरे करके कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, इन वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है दैट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर, ओके। आई रिपीट अगेन कि एक क्लोज आपने बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आप कोई लिक्विड लोगे, उस लिक्विड के जो वेपर्स बने उन वेपर्स के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है दैट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, द वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्ट बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज वेसल, कि आपके क्लोज वेसल में वेपर्स के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है दैट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर, ओके। अगर अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर, तो बच्चे ध्यान देना है, वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, ओके। बिकॉज जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने ज़्यादा वेपर्स बनने वाले हैं, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, ओके। सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो नेचर ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप कोई पेट्रोल ले रहे हो या फिर किसी भी टाइप का ऑयल ले रहे हो, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2O, बिकॉज H2O के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यू नो दैट इज द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू अवर ऑयल, पेट्रोल ले सकते हो, डीजल ले सकते हो आप, क्लियर। तो वेपर प्रेशर को हमने रीड आउट किया। तो बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि वेपर प्रेशर है क्या। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर जब आप अपना डेस्टिनेशन चेंज करते हो, मीन्स इन्वायरमेंट का प्रेशर चेंज होता है, तो बेटा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है, क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर को हम बॉइलिंग पॉइंट के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, वेपर प्रेशर को हम बॉइलिंग पॉइंट के साथ किस टाइप से कोरिलेट करेंगे। तो बच्चे ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि वेपर प्रेशर के साथ कोरिलेट करती है, वो है बेटा वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द
at which the vapor pressure of a given liquid will becomes equal to the vapor pressure of our environment. Means वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर गिवन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर इन्वायरमेंट वेपर प्रेशर के इक्वल पहुंच जाता है, उस टेम्परेचर के ऊपर आपका गिवन लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है और दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. ओके, थैंक यू.